इंफॉर्मेशन ट्रेजरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, अंडा एक ऐसी खुराक है जो ग़िज़ाइयत से बेहद भरपूर माना जाता है। अंडे में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की वाफिर मकदार मौजूद होती है, इसलिए अगर आप सिर्फ एक अंडा भी खा लें तो आपको दिन भर की जरूरी ग़िज़ा मिल जाती है। यूं तो सबको ही अंडा बेहद पसंद होता है, मगर कुछ लोगों को कुदरती तौर पर इससे एलर्जी होती है। लेकिन अगर बात की जाए मौसम की, तो ज़हन में सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर गर्मी के मौसम में एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि गर्मी के मौसम में कितने अंडों का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में अंडों का इस्तेमाल। अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी में अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। माना कि अंडा एक गर्म गिज़ा है, मगर इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं कि गर्मी में इसका इस्तेमाल मनफी असरात दे सकता है। दरअसल गर्मी के मौसम में रोजाना एक अंडे का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अंडे के हैरान कुन फायद। अमराज़े कलब। अंडा खाने से अमराज़े कलब का खतरा कम होता है। एक तहकीक के मुताबिक अंडों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स की सतह में कमी लाता है, साथ ही अमराज़े कलब से दूर रखता है। वजन में कमी। अंडा खाने से वजन कम हो सकता है। एक तहकीक में बताया गया है कि अगर अंडों के साथ नाश्ते में कम कैलोरी वाली गिज़ा इस्तेमाल की जाए तो जिस्मानी वजन में तेजी से कमी आ जाती है। बिनाई को तहफ़ देना। अंडा खाने से बिनाई महफूज रहती है। अंडे में ल्यूटन नामी जूस की मौजूदगी बिनाई का तहफ़ करता है, जबकि उस जूस की कमी आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बांझपन दूर करना। अंडे में विटामिन्स मौजूद होता है और ये जिस्म में ऐसे हार्मोन्स को पैदा करता है जो बांझपन से बचाव के लिए जरूरी है। याद रहे कि विटामिन B9 या फोलिक एसिड खून के सुर्ख खुलियात को बेहतर बनाता है, जबकि ये बच्चों की नशोनुमा के लिए भी मुफीद है। जिल्द और बालों के लिए मुफीद। अंडे का इस्तेमाल जिस्मानी सेहत के साथ साथ बालों और जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद है। इसको खाने के साथ साथ बालों और चेहरे पर लगाने से भी कई मसाइल हल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।